which includes sea freight, air freight, land freight, warehouse services, contact logistics, 3PL. 3PL is third party logistics. 3CL, this is third country logistics. And legalization from consulates, assisting SGS inspection for chartered engineer certificates. सो मेरी थ्री एल सी डीज जो हैं उसमें मैं जो फर्स्ट है वो ओशन फ्रेट को बता रही हूँ. ओशन फ्रेट सर्विसेज फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ओशन फ्रेट सर्विसेज फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया सी रूट्स वर्ल्ड वाइड. दे हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कार्गो एफिशिएंटली ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिव शिपिंग सॉल्यूशंस. सो शिपिंग इज अ मेन कॉस्ट इफेक्टिव जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें इफ़ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम चाइना और फ्रॉम एनी अदर कंट्री ओशन फ्रेट जो मेन है वो रहता है. सेकेंडली एयर फ्रेट सर्विसेज ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई एयर इंश्योरिंग रैपिड डिलीवरी ग्लोबली. दे स्पेशलाइज इन टाइम सेंसिटिव शिपमेंट्स. अगर आपको बहुत जल्दी कोई चीज़ मंगानी है इफ़ यू हैव इन अर्जेंसी तो आप एयर शिपमेंट्स यूज़ करते हैं. जैसे सक्षम जी आपको पता ही होगा आपने भेजे हैं यहाँ से. अच्छा लोकल ट्रांसपोर्टेशन में नॉर्मली लोकल ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ फ्लेट सर्विसेज मूव गुड्स ओवर लैंड वाया ट्रक्स ट्रेन्स एंड अदर व्हीकल्स. सो ये हमारे तीन एल सी डीज हैं. उसके बाद आता है हमारा वी आर प्रोफेशनल कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स. सो वी हैव अवर ओन इन हाउस सी एच ए सर्टिफिकेट्स. सो कोई भी चीज़ विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड और विच इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड सो वी कैन डू द कस्टम क्लियरेंस. ओके फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस क्या होता है. फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस में वंस वी गिव द कोटेशन टू द टू एनी क्लाइंट फिर वो उसको कन्फर्म करते हैं कि हाँ ठीक है ये आपका ओके है. दे गिव द एग्रीमेंट एंड वी हैंडल ऑल द ओरिजिन डॉक्यूमेंटेशन. ओरिजिन पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है कस्टम क्लियरेंस होगा वहाँ पे वो सारा क्लियर होने के बाद शिपमेंट सेल होती है. सेल होने के बाद वो डेस्टिनेशन पे आएगी. डेस्टिनेशन पे आने के बाद वहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस हम लोग करते हैं एंड इंपोर्ट क्लियरेंस करने के बाद वी यूज़ ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्टेशन टू गेट द डिलीवरी टू द वेयर हाउस और टू द फैक्ट्री जो भी आपका डेस्टिनेशन है. दिस इज़ द प्रोसेस. ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसमें वन ऑफ माई क्लाइंट हैज़ गॉट हैवी डिटेंशन ओवर 4x40 हाइकी ड्यू टू सम कस्टम रीजन्स. तो हमने उनका अप्लाई किया था एम एस सी शिपिंग लाइन में और वी अप्लाइड और वहाँ पे हम वी सक्सेडेड टू गेट द वेवर और हमने क्लाइंट के 28 लाख्स अराउंड हमने उनके सेव किए थे. एंड सेकेंड केस स्टडी है उसमें कुछ कार्गो जो मरीन इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मरीन इंश्योरेंस में क्या है कि कुछ शिपमेंट्स जो है वो उनके उस पर शिप पे आग लग गई थी. सो वी गॉट दैट क्लेम टू द क्लाइंट. सो सो व्हाई चूज अस एज अ फ्रेट फॉरवर्डर. वी प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स. वी इम्प्रूव एफिशिएंसी and we play a vital role from streamlining the logistics process to reducing the cost and ensuring safe and reliable delivery because sari responsibility jo hai wo ek freight owner ki ho jati hai. aapka container ka value maybe more than 1 crore bhi ho sakta hai to uski jo responsibility hoti hai to wo hamare upar hoti hai. so given ask ye mere given ask hai. एक गिवन आस्क में मिस्टर ललित बंसल इज हेयर. सो ही इज अ ऑनर ऑफ पानीपत टेक्सोफैब हो गया. इसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.